फेक एंड फर्जी यूट्यूबर आर नॉट अलाउड देयर। देयर यानी कि दोस्तों कहां पर भाई, कॉइन एग्जीबिशन जो आगे फ्यूचर में होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनू लव। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्जीबिशन 2024 में जो जो चीजें फेस हुई, जो जो चीजें सामने आई, उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी वो भी बताता हूँ। एक सोसाइटी ने एक बहुत बढ़िया पहल की है भाई, उन्होंने एक लेटर इशू किया है जो कि हमें पढ़ने के बाद काफी अच्छा लगा, उनका ये सराहनीय काम रहा। और उनके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी बताता हूँ कि उन्होंने ये काम जो किया वो काफी सराहनीय काम है। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द जोधपुर में एग्जीबिशन लगने वाली है जो कि इसी सोसाइटी के द्वारा लगाई जाएगी। और ये एक अच्छी जानकारी है इसकी कि भाई यही सोसाइटी जिन्होंने ये अच्छा काम किया है, जिन्होंने कदम उठाए हैं, कुछ रूल लगाए हैं, जो भी सोसाइटियां, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है कॉइन एग्जीबिशन को, उनके ऊपर कुछ रूल लगाए हैं जो उनकी सोसाइटी, जो सोसाइटियां इन सोसाइटी के अंडर में आती है। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। और जो भाई चैनल पे नया है और या जो कॉइन कलेक्टर, कॉइन लवर नया है इस फील्ड में, नया नया आया है, किसी को कॉइन से प्यार है, कोई एग्जीबिशन देखना चाहता है, आपके लिए खास ये वीडियो है, सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों उस सोसाइटी का नाम मैं बता देता हूं, वो है भोपाल प्राचीन मुद्रा शास्त्र सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, जिनके अध्यक्ष है मनीष जैन जी, उन्हीं के द्वारा इशू किया गया है ये लेटर जो कि बता रहा है फेक एंड फ्रॉड यूट्यूबर्स आर नॉट अलाउड। ध्यान से सुन लेना फ्रॉडियो, जिन जिन यूट्यूबरों ने ना भाई ये एक भ्रम फैलाया था लोगों के प्रति, लोगों को गलत वीडियो दिखा के कि ये सिक्का इतने लाख का, ये सिक्का इतने करोड़ का, आप बन जाएंगे करोड़पति, आप बन जाएंगे करोड़पति, बन गए भाई, करोड़पति तो बने नहीं, क्योंकि एग्जीबिशन 2024 दिल्ली रंग फेयर के अंदर जब हम गए थे और वहां पब्लिक का जो रिएक्शन था, जो उनके साथ हुआ, वो चीजें फेस करनी पड़ी सभी जो वहां पे आए थे। दूसरा, हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये चीजें शो की थी कि भाई वहां पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक चीज और बताई थी कि वहां पे जो स्टॉल लगा रखी थी जिन कलेक्टरों ने, उनका स्वभाव ठीक नहीं था। भाई क्यों ठीक नहीं था, ये चीजें इसके अंदर अच्छी तरह दिखाई गई है कि दिखाई नहीं की सॉरी, जो नियम लगाए गए हैं वो इस पे बहुत प्रभाव डालेंगे। भाई देखो दोस्तों, आप जो कलेक्टर लोग भी आए थे बेचारे, वो कोई कोलकाता से आया था, कोई चेन्नई से आया था, कोई मद्रास से आया था, कोई मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए थे। भाई उनको समय से अगर पानी, चाय, भोजन, नाश्ता, लंच कुछ भी अगर सही ढंग से नहीं मिलता है तो भाई किसी का भी लगा लो रवैया थोड़ा सा रूडली हो जाता है। ये काम इस भोपाल प्राचीन मुद्रा शास्त्र सोसाइटी ने किया है, ये लेटर आप देख सकते हैं और मैं आपको ये लेटर पूरा डिस्प्ले पे शो कर रहा हूं। ये है भाई इंग्लिश के अंदर और इसको सरल भाषा में बनाने के लिए हमने हिंदी में इसकी एक कॉपी लगाई है डिस्प्ले पे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों शो कर रहा हूं आपको। इसके अंदर बकायदा लिखा गया है नकली, सबसे भाई जो विषय है उसके बारे में, नकली यानी फ्रॉड एंड फेक एंड फर्जी यूट्यूबर आर नॉट अलाउड। नकली यूट्यूबर फर्जी अलाउड नहीं है, वो कैसे डिसाइड होगा वो इन्होंने इसमें मेंशन किया है। किसी को ये पूरा लेटर पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकता है, और अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लेटर डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना। दूसरी बात, इन्होंने ये चीज बताई है किसी भी सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया का भाई ध्यान से सुन लेना, यूट्यूबर हो, रील मेकर हो, या फेसबुक पे अपनी वीडियो डालता हो, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर डालता है, उसकी वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपकी पहले वहां के जो प्रबंधक है, जो भी एग्जीबिशन में, जो भी एग्जीबिशन में आप जाते हैं फ्यूचर में, वहां के जो प्रबंधक है वो आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे कि आप किस तरह की वीडियो डालते हैं, कहीं लोगों को गुमराह तो नहीं कर रहे, गलत वीडियो तो नहीं डाले। उनके शिकंजा कसने के लिए उनके ऊपर इस सोसाइटी ने बहुत ही प्रशंसनीय भाई एक कदम उठाया, ये मैं कहूंगा ये काफी अच्छा कदम है, ताकि जो लोग गलत गाइड हुए थे, जो लोग गलत गाइड होने के कारण वहां पर परेशान हुए थे, कितनी भाई बहुत दूर दूर से आए थे वहां से लोग, उन लोगों के लिए भी एक ये काफी अच्छा भाई पहल है। मैं जो यहाँ के जो अध्यक्ष है मनीष जैन जी, उनको थैंक यू बोलता हूँ, और जो इनके जो सेक्रेटरी है वो है राजीव जैन जी, और जो सुभाष सोनी जी है वो है इनके वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने पूरी भाई, इनके जो मेंबर्स हैं और मेंबरगंस हैं, इनकी ये सभी की मिलके एक प्रशंसनीय काम है। एक और कदम उठाया दोस्तों इन्होंने कि जो वहां पे स्टॉल लगाएंगे, जो अलग अलग जगह से आते हैं स्टॉल लगाते हैं, जो कॉइन कलेक्टर होते हैं, उनके लिए इन्होंने प्रतिबद्ध रहेगी इनकी सोसाइटी और इनके अंडर जो भी सोसाइटी आती है, कि उनके लिए अच्छा पानी की व्यवस्था, अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छा भोजन,
अच्छा खाना और साफ सुथरा, ना कोई बासी हो। ये जो मतलब हमारी जो कॉमन चीजें होती है, जरूरत की चीजें होती है, उन चीजों पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ये भाई कॉइन कलेक्टरों के लिए काफी अच्छी खबर है, एक काफी अच्छी पहल है। इसके लिए भाई मैं एक बार फिर से दिल से थैंक यू कहूंगा जो इस सोसाइटी के, भोपाल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मनीष जैन जी, थैंक यू वेरी मच सर। और हमने भाई पीछे वीडियो डाली थी, जो पारदर्शिता हमने दिखाई थी पिछली, भाई उनसे जो गलतियां हुई, ताकि हमने इस, हमारा एक मकसद था कि जो इस बार 2024 एग्जीबिशन में गलतियां हुई थी, वो 2025 में दिल्ली एग्जीबिशन में ना हो। और उसका ही एक मतलब हमारी एक जो हमने कार्य किया, मेरे को भाई काफी अच्छा लगा भाई इन्होंने ये कदम उठाया। दूसरा एक चीज और दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे यूट्यूब पे, क्या पता भाई इसमें कौन फ्रॉडी है, कौन नकली है, कौन फर्जी है, कैसे है, फेक है, वो इन्होंने ये लिख दिया कि इनके जो वहां पे जो व्यवस्था करने वाले होंगे वो चेक करेंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, भाई कौन है ये फर्जी, कौन है फेकू, ये चीज कमेंट करके आपको बतानी है। कहीं हम तो नहीं भाई, क्या पता हम भी हो। हमारी वीडियो आप दोस्तों देखते रहते हैं, कहां हमने आपको गलत गाइड किया या कोई गलत नॉलेज दी है या कोई गलत जानकारी दी है, ये चीज, ये उपस्थिति आपको कमेंट के द्वारा बतानी है। दोस्तों आप हमसे और हम आपसे दोनों एक दूसरे से कुछ ज्ञान लेते रहते हैं, कैसे, जैसे कि आप जैसे कुछ कमेंट करके मेरे को बताते हैं, सर ऐसा है इसके बारे में बताइए, तो मैं वो बताता हूं और वो काफी सर्च रिसर्च पूरा ज्ञान लेने के बाद आपको बताता हूं। तो बताइएगा आप दोस्तों जरूर कमेंट करके, भाई हम हमारे चैनल पे कैसी वीडियो आपको देते हैं, गलत जानकारी देते हैं वो भी बताइएगा, अगर सही जानकारी देते हैं आपको सही लगती है वो भी बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ साथ हमारी आगे आने वाली वीडियो जो है वो है इस भोपाल प्राचीन मुद्रा शास्त्र सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज जो एग्जीबिशन जोधपुर में लगने वाला है। भाई कब लगने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, कब कहां जोधपुर में, जोधपुर में कहां, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, और ऐसी ही सिक्कों के बारे में जानकारी, किलो के बारे में जानकारी, किसी भी पुरानी वस्तु, कोई भी एंटीक चीज, सभी के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं। खासकर हम कॉइन्स के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं, ताकि हमारे जो कॉइन लवर हैं, कॉइन कलेक्टर लोग हैं, उनको अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई जानकारी चाहिए, वो हमसे कमेंट में लिख के एक वीडियो बनवा के ले सकता है, या हमसे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ के वहां पर चैट करके भी ले सकता है। इंस्टाग्राम का जो आईडी हैंडल है वो मैं नीचे डिस्प्ले पे डाल रहा हूं, मैं बोल के बताता हूं, @sonu.love89, वहां पर दोस्तों फॉलो करके, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके, मुझे डीएम करके वो मुझसे बात कर सकता है, क्योंकि काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं आपका फोन नंबर दीजिए, क्योंकि फोन नंबर दोस्तों अगर मैं पब्लिक दे भी दूं कोई वो बात नहीं, अगर मैं नहीं उठा पाऊं तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई वीडियो बनाते रहते हैं तो फोन फ्लाइट मोड पे होता है, बंद होता है, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डालेंगे हमारा नेट ऑन रहता है, रेयर चांस होता है कभी नेट बंद हो तो हमें तुरंत आपका मैसेज मिल जाएगा, फोन से जल्दी आपको रिप्लाई इंस्टाग्राम पे मिलेगा तभी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जीबिशन की लोकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।